हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज़ विकास राणा स्टूडेंट्स हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी पी मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं हमारा जो सेशन है हमारा जो कोर्सेज है, है ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन हैं हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं जहां पर आपको कॉन्टेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में आपको क्या करना है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से जो कि आप इजीली कैरियर क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं एंड वन

नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको हंड्रेड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पी मिलेगी वो आप रिविजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एक्सपेरियंट्स हैं इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं चाहे वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश त्रिपुरा तेलंगाना कोई भी स्टेट हो नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज नेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स स्पोर्ट्स डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्स एंड वेब पोर्टल्स नेम द टॉपिक और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का हेलो एवरी वन तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जून मंथ के दो टॉपिक के डिस्कस करेंगे डिफेंस एंड साइंस एंड टेक ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा तो एंड तक ज़रूर देखिएगा नोट्स ज़रूर बनाना एंड रिविजन परस्पेक्टिव से ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है चलिए स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन है नेम द एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय साउदर्न वेस्टर्न कमांड जो कि है शप्ता शक्ति राइट right? एंड ये इंडियन आर्मी की आपकी कमांड रहेगी पूछा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज को कहां पे कंडक्ट कराया गया ये तो कराया गया राजस्थान एंड पंजाब में क्वेश्चन आ रहा है कि इस एक्सरसाइज को नाम क्या रहेगा क्या नाम दिया गया था इस एक्सरसाइज को वो है सुदर्शन शक्ति 2023 करेक्ट सुदर्शन शक्ति 2023 ये सप्ताह शक्ति के द्वारा कराई गई एक्सरसाइज है कहां पर राजस्थान एंड पंजाब में ठीक 22 मई से लेके पच्चीस मई तक ये एक्सरसाइज कराई गई थी करेक्ट नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन द डैश एडिशन ऑफ द एनुअल नेवल एक्सरसाइज एकाथा राइट एकाथा एक्सरसाइज का नाम रहेगा ये एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी मतलब इंडियन नेवी एंड मालदीव नेवीज के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी कब फोर्थ जून से लेके थर्ड जुलाई तक करेक्ट अब क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का तो ये सिक्स एडिशन था इस एक्सरसाइज का एक का जो कि इंडिया इंडियन नेवी एंड मालदीव नेवी के बीच में कराई गई थी चार जून से तीन जुलाई के बीच में एक्सरसाइज कराई गई थी ठीक है एंड ये नेवल एक्सरसाइज है दैट मींस नेवीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी नेक्स्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एंड यू इन तीनों के द्वारा अभी एक ट्राइलेटल मैरीटाइम एक्सरसाइज कराई गई राइट कहाँ पर कराई गई थी लोकेशन इम्पोर्टेंट है गल्फ ऑफ ओमान में तो क्वेश्चन में ऑप्शन जो पूछा गया वो फ्रांस पूछा गया कि इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में ये पहली एक्सरसाइज थी जो कि ट्राई लेटल मेरी पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी गल्फ ऑफ ओमान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी सात से आठ जून तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया वो है आईएनएस तरकश राइट right? आईएनएस तरकश ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट एम्यूनेशन कम टॉरपीडो कम मिसाइल बार्च ऑफ द सीरीज एलएसएएम 15 इसको भी डिलीवर किया गया है टू इंडियन नेवी एट द नेवल आर्म एंड डिपो करंजा जो कि कहां पर है मुंबई महाराष्ट्र में फिर याद रखेंगे ऐसे दस ऐसे आपके टोटल एम्यूनेशन एमिनेश, कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है राइट एंड इनको आत्मनिर्भर भारत के अंदर डिलीवर किया जाएगा एंड दे जो इनका लाइफ स्पेन है तीस साल तक का इनका लाइफ स्पेन हमें देखने को मिलता है करेक्ट पहला एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार्स डिलीवर किया गया टू इंडियन नेवी एट द नेवल आर्म एंड डिपो करंजा मुंबई महाराष्ट्र में नेक्स्ट ट्वेल्थ मिलिट्री एक्सरसाइज ये इंडियन आर्मी और कौन सी कंट्री की नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में कंडक्ट कराई गई एट उत्तराखंड तो यह इंडियन आर्मी एंड आपकी मालदीव आर्मी के बीच में ट्वेल्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज यूकेवरिन को कंडक्ट कराया गया था राइट right? तो और ये कहां पर हुई थी लोकेशन क्या रहेगी इसकी इंडिया में हुई थी इंडिया में कहां पर उत्तराखंड में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था तो राइट ऑप्शन बनता है इंडियन आर्मी एंड मालदीव आर्मी के बीच में एक्सरसाइज हुई जिसका ट्वेल्थ एडिशन हमें अभी देखने को मिला उत्तराखंड में नेक्स्ट वाइस एडमिरल विश्वाजीत दास गुप्ता ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे ऑफ ईस्टर्न नेशनल कमांड राइट ईस्टर्न नेवल कमांड एंड इन्होंने अभी इनाग्रेट किया नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम को अलोंग विद नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम इन दोनों को अभी किसके द्वारा इनागरेट करा गया तो वो है वाइस एडमिरल बिश्वजीत दास गुप्ता जी राइट ये कमांडिंग इन चीफ है ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड एंड इन्हीं के द्वारा अभी ये एन आई एन ए आई एस एस जो की है नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम एंड नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया कहाँ पर एट द इंडियन नेवल शिप देगा और कहाँ पर है ये इनाग्रेट किया गया इंडियन नेवल शिप देगा पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको इनोग्रेट किया गया तो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे ये ठीक है देन नेक्स्ट याद रखना ये जो दोनों सिक्योरिटी सिस्टम है ना ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप करे गए हैं एंड मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए इनको इंडिया में ही डेवलप करा गया नेक्स्ट नेम द इंडियन नेवल शिप दैट इज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फोर्थ एडिशन ऑफ द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो जो कि इंडोनेशिया में हुई तो ये मल्टी नेवल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो इस एक्सरसाइज में हम याद रखेंगे थर्टी सिक्स कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसकी एक थीम थी वो क्या थी पार्टनरशिप टू रिकवर एंड टू राइज स्ट्रॉन्गर आई रिपीट पार्टनरशिप टू रिकवर एंड टू राइज स्ट्रोंगर ये थीम रहेगी ऑफ दिस मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई आपकी इंडोनेशिया में हुई थी एंड यहाँ पर किस इंडियन नेवलशिप ने पार्टिसिपेट किया तो आई एन एस सतपुरा में आई एन एस सतपुरा ने इस एक्स नेवलशिप में पार्टिसिपेट किया राइट right? चार से लेके आठ जून के बीच में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था फिर एक आ जाता है सागर सागर की फुल फॉर्म क्या होती है सागर होता है आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 19th एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट हुई थी अभी कहां पर ये पूछा गया है तो मंगोलिया में ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट

लद्दाख वो है अग्निस्त्रा वन अग्निस्त्रा वन ये एक्सरसाइज है राइट ईस्टर्न लद्दाख में कंडक्ट कराई गई और अग्निस्त्रा का मीनिंग हो गया फायर आर्म्स इन हिंदी फायर आर्म्स इन हिंदी करेक्ट एंड यहीं पर याद रखेंगे एंटी टैंक मिसाइल्स एज वेल एज काल गुस्तव ये क्या है ये एक रॉकेट लॉन्चर है इसको भी यहां पे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कराया गया नेक्स्ट इन विच स्टेट यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनाग्रेट कराया गया इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव के नाम से ये इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव जून के महीने में 2023 में पूछा जा रहा है किस स्टेट में इसको अभी इनाग्रेट किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा तो केरला में इसको इनाग्रेट किया गया एज द नेम सजेस्ट इंटीग्रेटेड सिम्यूशन सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ये आपके जो सिमुलेटर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे एक रियल टाइम एक्सपीरियंस राइट right? जो नेविगेशन है फ्लीट ऑपरेशन है नेवल टैक्टिक्स हैं उनका एक रियल टाइम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इंडियन नेवी पर्सनल्स हैं उनको बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके करेक्ट एंड ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर इनको डेवलप किया गया है ताकि इंडिया में ही हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम उसको इंडिया में ही यूज कर सकें करेक्ट नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेम द एक्सरसाइज दैट वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बाई इंडियन एयरफोर्स विद अ फोकस ऑन इंटीग्रेशन

सेंट्रल एरिया कमांड एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जो था ये कहां पर था जहां पे एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था एक्सरसाइज रनविजय विजय को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ठीक है तो दोस्तों ये तो थे हो गए हमारे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन राइट अब आ जाते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पर नेक्स्ट पहला है नेम द नॉर्थ कोरिया फर्स्ट स्पाई सेटेलाइट जिसको अभी फेल हो गई थी वो राइट तो नॉर्थ कोरिया की पहली स्पाइस सैटेलाइट जो कि अभी फेल हो गई वो कौन सी थी मालिंग वन याद रखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नॉर्थ कोरिया की पहली सैटेलाइट स्पाइस सैटेलाइट जो कि अभी फेल हो गई वो क्या थी मालियोग वन दूसरा आ जाता है स्पेस ने अभी एक टू स्टेज रॉकेट फैल्कर नाइन के थ्रू लॉन्च किया और उसमें पूछा जा रहा है कि जो टू स्टेज रॉकेट फेल्कर नाइन है इन्होंने कितनी सैटेलाइट्स को कैरी किया ऑफ द स्टारलिंक मिशन तो याद रखेंगे टोटल ऑफ 52 सैटेलाइट्स कैरी की गई थी ऑफ स्टारलिंक मिशन इन टू लो अर्थ ऑर्बिट जो कि डिस्टेंस ऑफ अबाउट फाइव फोर्टी किलोमीटर अर्थ फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए अब देखो यहीं पर जो आपका आ जाता ना स्टार लिंक ये क्या कर रहा है ये आपका सेटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है राइट इन्होंने ही अगर आपको याद हो तो सिमिलर काइंड ऑफ एक सैटेलाइट का सिमिलर काइंड ऑफ काम कौन कर रहा है वन वेब यह वन वेब कहाँ की है यूके की कंपनी है इनके द्वारा गुजरात की दो विलेजेस में राइट ये पायलट बेसिस पे आपका इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम स्टार्ट किया पायलट बेसिस पे और हंड्रेड करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्टमेंट रहेगी करेक्ट तो कमिंग बैक स्पेस एक्स ने फेल्कन नाइन रॉकेट की मदद से फिफ्टी टू स्टारलिंग सेटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भी सेंड किया नेक्स्ट उस हेलीकॉप्टर का नाम बताओ ऑफ द इंडियन नेवी जिन्होंने पहली बार लैंड किया ऑन इंडियन नेवल शिप विक्रांत आई विक्रांत पे लैंड होने वाला वो पहला इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर क्या रहेगा क्या नाम है उसका वो है एमएच सिक्सटी आर राइट इसी को एक और नाम से जानते हैं रोमियो करेक्ट ये नोन फॉर देर एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज ये पहली बार आपके इंडियन नेवलशिप विक्रांत पे लैंड किया है मार्क करेंगे इसको मूविंग ऑन दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कैरिड आउट अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल डैश मिसाइल अग्नि वन फ्रॉम ए पी जे अब्दुल कलाम इन ओडिशा तो क्या यह कौन सी हैं? जरा है इनमें से ज़रा बताओ इंटरमीडिएट है मीडिएट है मीडियम रेंज है आपकी शॉर्ट रेंज है इंटरमीडिएट प्लास्टिक रेंज है कौन सी वो है वो बताइए देखो तो इंडिया ने कैरी किया सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अ न्यूक्लियर कैपेबल मीडियम रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल राइट ए पी जे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया करेक्ट एंड ये जो अग्नि वन है ये आपका 15 मीटर लॉन्ग मिसाइल है बारह हजार किलोग्राम इसका वेट रहेगा 700 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी एंड हजार के तक का यह आपका पेलोड कैरी कर सकता है इसको डिजाइन एंड डेवलप किसके द्वारा किया गया है डी के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप करा गया है और यह आपकी मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी चलिए नेक्स्ट नेम द स्पेसएक्स रॉकेट जो कैरी कर जिसने कैरी किया 22 टू सेकेंड जनरेशन स्टार्लिंग सेटेलाइट को जिसको V2 टू मिनी के नाम से जाना जाता है इन टू लो अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए तो कौन सा है वो है आपका फेल्कन नाइन रॉकेट ने अभी टू स्टेज रॉकेट ये फेल्कन नाइन का टू स्टेज रॉकेट जिन्होंने बाईस सेकेंड जनरेशन स्टार्लिंग सेटेलाइट को नोन एज वी टू मिनी सेंड किया इंटू लो अर्थ ऑर्बिट करेक्ट नेक्स्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स फी जुंगलोंग डेंग किंगमिंग एंड जेंगलू ये छह महीने के बाद अर्थ पर वापस आए हैं ये क्यों थे स्पेस में क्योंकि ये चाइना के टियांगोंग स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे थे करेक्ट एंड इनको शेंजू फिफ्टीन मैन स्पेस शिप से वापस अर्थ पर लाया गया करेक्ट चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ राइट इन्होंने सक्सेसफुली एंगेज किया एक अंडर वाटर टारगेट को विद इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैवीवेट टॉर्पिडो जिसका नाम रहेगा वासु वरुणास्त्रा ये वरुणास्त्रा क्या है यह है एक टोरपीडो राइट एक मिसाइल जो आपकी अंडर वाटर वर्क करती है एंड इसको अभी याद रखेंगे डेवलप किया गया है किसके द्वारा इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ के द्वारा इसको टेस्ट किया गया था अभी रिसेंटली एंड 2021 में आई करेक्ट 2016 में इसको इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया था राइट right, एंड इसको बनाया गया था NSTL जो कि है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ DRDO उनके द्वारा करेक्ट वसुनाथ वरुणास्त्रा याद रखेंगे ये हैवीवेट टॉरपीडो है वरुणास्त्रा नेक्स्ट और इसकी स्पीड की बात करें तो 40 नॉटिकल माइल्स रहेगी एंड ये 1.25 पॉइंट इसका वेट रहेगा नेक्स्ट विच कंट्री हेज़ रिसेंटली अनवेल्ड द फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड हाइपरसोनिक प्लास्टिक मिसाइल फ़तह विद द रेंज ऑफ फोर्टीन हंड्रेड किलोमीटर्स तो ईरान के द्वारा ये फतेह अभी हाइपरसोनिक प्लास्टिक मिसाइल को डेवलप करा गया है राइट इसकी रेंज रहेगी चौदह सौ किलोमीटर और फतेह का मतलब अगर हो जाए तो कौकर होता है राइट स्पीड क्या रहेगी इस पर्टिकुलर मिसाइल की ये फिफ्टीन मैक इसकी स्पीड रहेगी और एक मैक होता है इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड नेक्स्ट नेम द कंपनी दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडियन नेवी फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्वान्टम की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम इससे क्या होगा जो आपका कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपका इंडियन नेवी का राइट right? एंड जो इनक्रिप्शन सिस्टम्स होते हैं इनको ब्रेक करना डिक्रिप्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है और खासकर जो क्वांटम इंक्रिप्टिड सॉफ्टवेयर्स हो गए या क्वांटम इनक्रिप्टिड टेक्नोलॉजी होगी उसको इंक्रिप्ट करना तो और ज़्यादा मुश्किल होता है राइट right? और फिर इसी से याद रखेंगे ये आपका है क्यून्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया था इंडियन नेवी के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम राइट चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया अपने प्लान को टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट दृष्टि इन दो हजार चौबीस इंपॉर्टेंट बनता है याद करेंगे जो ये दृष्टि है ना याद रखना ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट रहेगा करेक्ट याद रखना इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर हम बोले वर्ल्ड का हाइएस्ट रेजोल्यूशन मल्टी सेंसर इमेजिंग सेटेलाइट वर्ल्ड का हाइएस्ट रेजोल्यूशन मल्टी सेंसिंग इमेजिंग सेटेलाइट रहेगा राइट इंडिया का पहला और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन मल्टी सेंसिंग इमेजिंग सेटेलाइट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये दृष्टि कब लॉन्च किया जाएगा 2024 में लॉन्च किया जाएगा किस ऑक्सपेस स्टार्टअप का द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा तो वह है गलेक्सी स्पेस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा राइट और ये गैलेक्सी स्पेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड याद रखना ये आई मद्रास का इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप रहेगा करेक्ट एन ये दृष्टि मिशन पहली सैटेलाइट रहेगी इन 2024 में जिसको लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने कैरी आउट किया द इनिशियल टेस्ट फ्लाइट ऑफ एन ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट दैट कैन कैरी पैसेंजर्स एंड हैवी कार्गो जो कि एक एयर टैक्सी की तरह काम करेगा टू ईज कंजेक्शन ऑन द रोड तो याद रखेंगे इसराइल के द्वारा ये ऐसा एक ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया गया है राइट right? जिसको हम एयर टैक्सी भी कह सकते हैं करेक्ट इससे क्या होगा कि रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो हम इसको एज अ एयर टैक्सी की तरह मतलब हवा में भी इसको एज एन एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं करेक्ट इससे क्या होगा जो कंजेशन है वो कम हो जाएगा एंड आने वाले टाइम में जब हम हम देखेंगे कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उस केस में उस सिनेरियो में हमें दिखेगा कि जो एयर टैक्सीज हैं जो आपकी एयर कार्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाएंगी इवन अगर आपको याद हो यूनाइटेड किंगडम वो पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने एयर टैक्सीज के लिए फ्लाइंग कार्स के लिए ड्रोन्स के लिए यू के लिए एक एयरपोर्ट लॉन्च किया करेक्ट यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट एंड अगर मैं बात करूं इसराइल का जो ये ड्रोन इनिशिएटिव है इसका क्या नाम है इसराइल नेशनल ड्रोन इनिशिएटिव आई आई नेक्स्ट नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू डेवलप क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉड्यूल मॉडल्स फॉर रिकवरी टीम ट्रेनिंग ऑफ द गगनयान मिशन गगनयान मिशन के रिकवरी ट्रेनिंग के लिए एक मॉड्यूल्स डेवलप किए गए थे टीम ट्रेनिंग के लिए फॉर देयर गगनयान मिशन पूछा जा रहा है कि कौन सी कंपनी ने पार्टनर किया था इसरो तो के साथ ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप करने के लिए यह है टाटा एलेक्सी ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते जा हैं अग्नि प्राइम ये एक नई जनरेशन की ब्लास्टिंग मिसाइल है इसको डीआरडीओ के द्वारा अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा पूछा जा रहा है जो ये अग्नि प्राइम सरफेस टू तो सरफेस ब्लास्टिंग मिसाइल है इसकी रेंज क्या रहेगी हजार से दो हजार किलोमीटर इंपॉर्टेंट है सरफेस टू तो सरफेस याद रखना क्वेश्चन में जरूर पूछा जा सकता है कि किस टाइप की मिसाइल है क्या रेंज है इस मिसाइल की किसके द्वारा टेस्ट की गई थी राइट डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट की गई सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इसको टेस्ट किया गया और हज़ार से दो हजार इसकी किलोमीटर की रेंज रहेगी ठीक है चलिए नेक्स्ट इन विच सिटी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट विंड टनल जे एफ बाईस को अभी कंस्ट्रक्ट किया गया जून 2023 में तो याद रखना बीजिंग चाइना में ये आपकी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट विंड टनल रहेगी जे एफ ट्वेंटी टू करेक्ट बीजिंग में रहेगी ये एंड यहां पर आपकी चार मीटर की आपकी डायमीटर रहेगा इसका दस किलोमीटर पर सेकेंड तक की यहाँ पर स्पीड एयरफ्लो रहेगा एंड ये जो आपकी uh, टनल है दिस इज कैपेबल ऑफ टेस्टिंग हाइपरसोनिक फ्लाइट कंडीशंस ऑफ अप टू थर्टी मैक करेक्ट एंड एक मैक हमें पता ही है कितना होता है इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड नेक्स्ट नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन आर्मी फॉर द इंडीजीनियसली डेवलप टेक्टिकल लैन जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क रेडियो मतलब टेक्टिकल लैन रेडियो राइट इसको भी डेवलप किया गया ताकि एक इंटरफ्रेंस फ्री कॉम्युनिकेशन हो सके रिलायबल कॉम्युनिकेशन हो सके करेक्ट और इसको डेवलप करके दिया गया है टू इंडियन आर्मी एंड इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था इंडियन आर्मी के साथ किस कंपनी ने वो है एस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि टेक्टिकल लैंड रेडियो को डेवलप किया जा सके एंड जो कि रिलायबल एंड इंटरफ्रेंस फ्री कॉम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा ठीक फिर इसी के साथ साथ याद रखना एस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने गीगा मैश नाम से भी एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी और ये जो गीगा मैश है ये एक इनोवेटिव वायरलेस प्रोडक्ट है जो कि सॉल्व करेगा इंटरनेट प्रॉब्लम्स को इन द रूरल पार्ट्स राइट गीगा मैश तो याद रखेंगे एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया नेक्स्ट नेम द इंडियन एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया पहला सेटेलाइट ए बी ए फर्स्ट रनर ऑन स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर एट मिशन फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था याद रखेंगे क्या रहेगा इसका नाम एजिटा बी एस टी एरोस प्राइवेट लिमिटेड राइट ये अहमदाबाद गुजरात बेस्ड स्पेस फॉर्म है राइट right? इन्होंने पहली सैटेलाइट एबीए फर्स्ट नर लॉन्च करी फ्रॉम स्पेस एक्स के रॉकेट फेल्कन नाइन की मदद से विच वॉज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टर एट मिशन ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवल शिप लॉन्च किया गया बाय द जी आर एस सी एट द शिप बिल्डिंग फैसिलिटी ऑफ एल एन टी इन चेन्नई तमिलनाडु तो वो है आईएनएस संशोधक एंड आईएनएस अंजलि करेक्ट ये दो वो इंडियन नेवल शिप हैं जो कि जीआरएससी के द्वारा अभी लॉन्च किए गए थे एट एलएनटी फैसिलिटी इन चेन्नई तमिलनाडु ठीक है मूविंग ऑन अगला है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 41 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस इन अ सिंगल मिशन यूजिंग लॉन्ग मार्च 2डी रॉकेट तो चाइना के द्वारा अभी 41 सिंगल फोर्टी वन सेटेलाइट को लॉन्च किया गया इन अ सिंगल मिशन यूजिंग लॉन्ग मार्च टू डी रॉकेट राइट एंड ये एक नया नेशनल रिकॉर्ड है फॉर द हाइस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट जो कि डिप्लॉय की गई इन अ सिंगल मिशन चाइना के द्वारा नेक्स्ट नेम द इंडियन कंपनी जिन्होंने शो केस किया अपना वर्जन ऑफ द मेटावर्स कॉल्ड भारत मेटा जो कि इंडिया का पहला मेटावर्स प्लेटफॉर्म है एट द वीवा टेक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इवेंट जो कि पेरिस में हुआ राइट right? तो किसके द्वारा किया डॉट ए आई एक ए आई कंपनी है राइट मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ए आई एंड एमरजिंग टेक्नोलॉजी एमरजिंग टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर ये कंपनी रहेगी करेक्ट एंड इन्होंने अपने मेटावर्स का वर्जन लॉन्च किया जो कि है भारत मेटा राइट right? और ये पहला मेटावर्स प्लेटफॉर्म था जो कि वीवा टेक दो में लॉन्च किया गया ये वीवा टैक कहाँ पर हुआ था पेरिस में हुआ था एंड याद रखेंगे ये सेवेंथ एडिशन था ऑफ दिस यूरोप्स बिगेस्ट स्टार्टअप टेक इवेंट और इसी को कह सकते हैं यूरोप का बिगेस्ट टेक स्टार्टअप इवेंट राइटैक दो हजार तेईस नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है स्पेस एक्स ने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया न्यू कॉम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ डैश कंट्री जिसको स्टारिया वन बोला गया टू जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तो ये स्टारिया वन किसकी है याद रखेंगे ये स्टारिया वन आपकी आ जाती है इंडोनेशिया की राइट स्टारिया वन जो कि है सैटेलाइट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया इसको अभी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफरड ऑर्बिट में सेंड किया गया किसके द्वारा डिप्लॉय किया गया किसके द्वारा स्पेसएक्स के द्वारा करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है फिर नेम द कंपनी जो रिसेंटली डिलीवर किया इंडिया का पहला आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल टू द इंडियन आर्म फोर्स किसके द्वारा डिलीवर की गई वो है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ये एक सब्सिडरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की इन्होंने अर्माडो। अर्माडो नाम का ये आपका व्हीकल रहेगी आर्मर्स लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ये डिजाइन एंड डेवलप की गई है महिंद्रा के द्वारा एंड इसको अभी कहां पर डिलीवर किया गया टू इंडियन आर्म फोर्सेस करेक्ट मार्क करेंगे मूविंग ऑन किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कंडक्ट कराया फ्लाइट क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ रमन वन इंजन ये रमन वन इंजन का भी टेस्ट किया गया किसके द्वारा तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ये टेस्ट किया गया रमन वन इंजन यूज किया जाएगा इन विक्रम वन रॉकेट राइट और बेंगलोर कर्नाटका में इसका अभी टेस्ट किया गया था करेक्ट और रूट एरोस्पेस ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड आपकी प्राइवेट इंडियन स्पेस कंपनी रहेगी नेक्स्ट आ जाता है नेम द आईआईटी जिन्होंने कंडक्ट कराया एक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट फॉर दट क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट से क्या होगा ये बारिश कराने के लिए काम आता है ये टेक्नोलॉजी आप इसमें अपने एटमोस्फेयर में जाके सिल्वर आयोडाइड राइट इसको स्प्रे कर दो और अगर वहां पर मॉइस्चर होगा तो उससे क्या हो जाएगा आपकी रेनफॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी करेक्ट तो ये भी किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था आईआईटी कानपुर के द्वारा ये आपकी क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया राइट एंड इससे सिल्वर आयोडाइड स्प्रे किया गया था जिससे क्या हुआ काफी बारिश हुई उसके आसपास के एरिया में नेक्स्ट स्पेसएक्स ने अभी लॉन्च किया 47 स्टारलिंक्स इंटरनेट सैटेलाइट्स को थ्रू फेल्कन 9 रॉकेट राइट एंड इसको कैलिफोर्निया यूएसए से लॉन्च किया गया था नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द रिसर्च इंस्टीट्यूट जिन्होंने डिलीवर किया सूट को ये सूट क्या है सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ये इसरो के को अभी डिलीवर किया गया है राइट एंड इसरो इसको यूज करेगा इन देयर आदित्य एलवन मिशन में आदित्य एलवन क्या है सन को स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा एलवन क्या है ये लैंग्वेज वन पॉइंट है मतलब इस पॉइंट पर स्पेस में इसको पोजीशन किया जाएगा करेक्ट और याद रखेंगे ये सूट ये क्या है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इसको इसरो को डिलीवर किया गया है राइट और ये इसरो को क्यों डिलीवर किया गया क्योंकि इसको आदित्य एलवन सोलर मिशन में यूज किया जाएगा सन की रिसर्च करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सूट इसरो को डिलीवर किया गया था तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स के द्वारा इसको डिलीवर किया गया था नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला जी इनके द्वारा एक रिपोर्ट फिश डिजीज नाम की एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी ताकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जो डिजीज हो जाती है उसकी रिपोर्टिंग की जा सके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एप्लीकेशन डेवलप करी गई तो याद रखेंगे आई नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा इसको डेवलप करा गया था राइट और ये मोबाइल एप्लीकेशन का काम क्या रहेगा ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये क्या है कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसमें अगर कोई डिजीज हो जाती है उसको रिपोर्ट करने का यहाँ पे ये काम करेगी तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द टॉपिक डिफेंस एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द मंथ ऑफ जून ये सेशन काफी हेल्पफुल रहेगा काफी बेनिफिशियल रहेगा फॉर रिविजन परस्पेक्टिव तो जो जो चीज़ इसमें ना आई हो मैं तो सजेस्ट करूंगा वापस से वीडियो देख लेना नहीं तो नोट जरूर बना के चलना बहुत बेनिफिशियल रहते हैं ये रिविजन परस्पेक्टिव से ये टॉपिक और एग्जाम से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव है नाइस डे फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर सेवन सिक्स डबल सेवन ट्रिपल थ्री एट सिक्स टू या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई एल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हैं कोड और याद रखना वो है विकास टैन अगर आपको 10 परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं आपको क्रैक 10 के अलावा 10 परसेंट का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड वेबसाइट से रिलेटेड या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया पैसे कट गए हैं या कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर नाइन या फिर आप मेल कर सकते हैं सपोर्ट एट द रेट ऑफ अफेयर्स क्लाउड डॉट कॉम पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको करेगा करेगा। एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस द यूट्यूब चैनल एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम यू चैनल यू कैन गो एंड फॉलो अस एट अफेयर्स क्लाउड टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द कंटेंट और द of courses offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is 767733862 apart from this friends you can follow us on the facebook as well as on instagram handle that is affairs cloud underscore official in the end friends if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your. Ищу.